हेलो दोस्तों, इमेटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। बेसिकली मेंटेनेंस दो टाइप का होता है, एक होता है प्लान मेंटेनेंस और एक होता है अनप्लान मेंटेनेंस। अनप्लान मेंटेनेंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और प्लान मेंटेनेंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, या फिर रिलायबल मेंटेनेंस, या फिर करेक्टिव मेंटेनेंस। इसके हर एक मेंटेनेंस के बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअली मेंटेनेंस होता क्या है। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री के लिए इसका जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी इंडस्ट्री का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो कभी नहीं रुकेगा, मतलब अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन रहेगी उसकी, और उसमें जो टाइमिंग है टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा स्ट्रांग है तो उस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज़ करेगा। अगर सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअली मेंटेनेंस होता क्या है। सपोज़ आपने एक नया बाइक खरीदा है, तो नया बाइक खरीदने के बाद उसका जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सर्विसिंग। अभी सर्विसिंग जब कंप्लीट होगा 1 साल या 1.5 साल के बाद उसमें क्या होगा, छोटा छोटा प्रॉब्लम आएगा। जैसे सपोज कि बारिश के मौसम में उसका जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आएगा, लाइट नहीं चल रहा है, हॉर्न नहीं बज रहा है, ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद और भी थोड़ा दिन जाएगा तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगा, उसका जो टाइमिंग चेन है टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम आएगा, उसका जो मेन चेन है मेन चेन का प्रॉब्लम आएगा, उसका ब्रेक शू चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद उसका जो शॉकर है शॉकर चेंज करना पड़ेगा, और सामने जो आपका हैंडल होता है हैंडल का जो बियरिंग्स होता है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब जो होता है ना, ये मेंटेनेंस का काम होता है। सपोज़ आप आपके बाइक को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे तो आपका जो काम है ये सब काम ये आप 3 साल के बाद करेंगे। और एक आदमी आया वो आपका मेंटेनेंस बाइक का मेंटेनेंस अच्छी तरह से नहीं करता, वो बहुत लाभ यूज़ करता है, तो ये सब 1.5 साल में 2 साल में करेगा। लेकिन अल्टीमेट करना दोनों को ही पड़ेगा। जो अच्छा चला रहा है अच्छा मेंटेन कर रहा है उसको थोड़ी दिन बाद करना पड़ेगा, जो उसको लाभ यूज़ कर रहा है उसको थोड़ा पहले करना पड़ेगा। तो ये होता है मेंटेनेंस का मेन काम। अभी एक बड़ा इंडस्ट्री में भी उसका जो इतना भी मशीन चल रहा है मशीन में भी इतना छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है, कभी बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सबका मेंटेनेंस के लिए अलग से टीम होता है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब किसी भी इंडस्ट्री का अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो मशीन है वो कभी भी डाउन नहीं होगा, कभी भी डाउन नहीं होगा बेसिकली नहीं हो सकता, लेकिन डाउन होगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा। और तो अल्टीमेट क्या होगा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर अच्छा होगा तो उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो कभी नहीं रुकेगी, उसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे तरह से चलेगा। अल्टीमेटली एक इंडस्ट्री को स्मूथली चलाने के लिए उसका जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होगा उसको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का काम क्या होता है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का अल्टीमेट काम होता है कि किसी भी मशीन जब नया कंडीशन में आता है तो उसका उस टाइम पर जो कंडीशन होता है उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसको अल्टीमेट रखना। अल्टीमेट ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब कोई नया मशीन आता है उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो 100% होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना। सपोज़ 100% नया में था तो उसका परफॉर्मेंस 95% आएगा 90% आएगा, लेकिन उसके नीचे नहीं आएगा। यही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अल्टीमेट टारगेट होता है। और उसके साथ साथ और एक टारगेट क्या होता है कि जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है, मतलब जो अनप्लान्ड है, उसको कम से कम रिड्यूस करना। मतलब क्या है कि मेंटेनेंस ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कम है, यही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अल्टीमेट गोल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है अनसर्टेन, मतलब अनप्लान्ड और अनसर्टेन। ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन अचानक से हो गया। सपोज आप बाइक लेके हाईवे पे जा रहे हो और आपका जो बाइक है वो ट्यूब टायर है वो कहीं पे पंचर हो जाता है, तो क्या होगा, आपका जो जर्नी है जर्नी रुक गया। अभी आपका जो रोड पर आपका जर्नी रुक गया, इंडस्ट्री में क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन रुक गया। तो अल्टीमेट आपको उस टाइम क्या करना पड़ेगा, उस टाइम आपको तुरंत कोई भी एक बाइक का जो मैकेनिक है उसके पास जाना पड़ेगा और आपका बाइक को रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके बाइक को चला सकते हो। तो ये हो गया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, उसका प्रोडक्शन रुक गया और उसको तुरंत काम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का भी दो पार्ट होता है, एक होता है माइनर ब्रेकडाउन, एक होता है मेजर ब्रेकडाउन। माइनर ब्रेकडाउन क्या हुआ, सपोज आप रोड पर चल रहे हो और आपको पता चले कि आपका जो बाइक है बाइक का जो ब्रेक पैड है वो बहुत ज़्यादा लूज है, तो एक हुआ ये आपका माइनर ब्रेकडाउन में हो गया। आप जाके किसी भी दुकान के, मतलब जो बाइक का मैकेनिक है उसके पास जाएंगे और उसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, तो ये होगा माइनर ब्रेकडाउन। मेजर ब्रेकडाउन क्या होगा, मेजर ब्रेकडाउन सपोज वो जो आपका बाइक पंचर हो गया था और आपका जो बाइक है वो ट्यूब टायर था, तो उसका जो मेंटेनेंस हो गया वो हो गया मेजर ब्रेकडाउन। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉल्ट। फॉल्ट और ब्रेकडाउन ये दोनों बेसिकली क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन दोनों के बीच एक डिफरेंस है। सपोज़ वही आप जो बाइक लेके जा रहे हो, आपका बाइक का मेन रोड पे जाके आपको पता चले कि इसका जो इंडिकेटर है इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, या फिर इसका जो हॉर्न है हॉर्न काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो जर्नी है जर्नी पे इफेक्ट नहीं पड़ा,
लेकिन बात यह है कि इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन क्या होगा, अल्टीमेट आपका जो जर्नी है, जर्नी नहीं रुक रहा है, कंपनी में भी प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। उस टाइम जो फॉल्ट है, इसको बोलते हैं फॉल्ट, मतलब मशीन में थोड़ा फॉल्ट है, लेकिन ये प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन चालू है लेकिन फॉल्ट है, इसको हम लोग बाद में मेंटेन कर लेंगे। तो इसका जो ये जो प्रॉब्लम होता है, इसको बोलते हैं फॉल्ट। और ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकडाउन वही आपका जो बाइक पंचर हो गया था, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, उसको तुरंत करना पड़ेगा, ये प्रोडक्शन को हैम्पर कर रहा है। ओके, प्लान मेंटेनेंस में क्या होता है, प्लान मेंटेनेंस में आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस का अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को रिड्यूस करना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जैसे कि नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि प्रिवेंट करना, क्या प्रिवेंट करना, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को प्रिवेंट करना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, जैसे कि डेली मशीन को चेक करना, क्लीनिंग करना, लुब्रिकेशन करना। क्लीनिंग करना मतलब क्या होता है कि सपोज आप ड्रिल मशीन पे या लेथ मशीन पे काम कर रहे हो, या फिर सपोज आप हाइड्रिल मशीन पे कोई सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो वो सारे मशीन को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपका मशीन क्लीन रहेगा तो तभी आपको पता चलेगा कैसे छोटा मोटा लीकेज हो रहा है हाइड्रोलिक का, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुब्रिकेशन भी ऐसा ही है, कोई भी मशीन अगर हो तो उसमें लुब्रिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस क्या होता है कि कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस करके आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। सपोज आपका जो आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और गाड़ी चलाने के टाइम पे क्या होगा कि गाड़ी जब 3 से 4 नंबर गियर पे दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा झटका दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि शायद वो 3 और 4 नंबर गियर के बीच जो शिफ्टर है, शिफ्टर में कोई प्रॉब्लम आया है, या फिर वो दोनों गियर का पिनियन में कोई प्रॉब्लम आया है, तो आपको इंडिकेट कर रहा है। अभी कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस का बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन हो गया, नॉइस हो गया, उसका जो टेम्परेचर हो गया, या फिर पावर कंजप्शन हो गया, ये सारा कंडीशन के ऊपर बेस करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेट मशीन में क्या क्या फॉल्ट है या फिर क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। तीसरा नंबर पर आता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस जो होता है और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो होता है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि प्रिडिक्ट करना, मतलब फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं उसको प्रिडिक्ट करना ही प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का काम होता है। और ये भी उसी तरह कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के ऊपर बेस करके होता है। सपोज आप एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में आप देख रहे हो कि आपका जो इंजन का कूलेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप क्या गेस कर सकते हो कि इसका जो वाल्व है, थर्मोस्टेट वाल्व है, थर्मोस्टेट वाल्व में कोई डिफेक्ट आ गया, या फिर जो फैन बेल्ट है, फैन बेल्ट लूज हो गया, फैन नहीं घूम रहा है, तो ये सारा आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको बोलता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इसमें बहुत सारे सेंसर के ऊपर बेस करके हम लोग जो डेटा मिलता है उसी के ऊपर बेस करके हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है या फिर क्या क्या प्रॉब्लम है अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। और दूसरा जो मेंटेनेंस होता है उसको बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस या तो जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बताएगा कि मेरा मशीन में यह प्रॉब्लम आया, इसको रिपेयर करो, या फिर बहुत दिन तक अगर अगर आप कोई मशीन को मतलब इंस्पेक्शन करेंगे तो इंस्पेक्शन करने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। सपोज आपका एक मोटर का जो बेल्ट है, मोटर का वी बेल्ट है, मोटर पुली के साथ कनेक्टेड है, जो वी बेल्ट के साथ कनेक्टेड है, वो बेल्ट बहुत जल्दी जल्दी टूट रहा है। मतलब सपोज आपका जो पहले मशीन था, पहले आप लोगों को 1 हफ्ते में 1 बार बेल्ट चेंज करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या होगा, अभी इसको 1 या 2 दिन में मशीन को जो वी बेल्ट है उसको चेंज करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन जो सबसे सिंपल रीज़न है ये हो सकता है कि उसका जो मशीन मोटर का जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट सही नहीं है, इसके वजह से बेल्ट टूट सकता है। बल्कि ये भी हो सकता है, बहुत सारा और भी रीज़न है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल रीज़न है, ये हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है कि आप तो जो मशीन ऑपरेट कर रहा है वो आपको ये बता सकता है, या फिर आप लोग बहुत दिन तक जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है, वो बहुत दिन तक इस मशीन को ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद उसको ये पता चलेगा अल्टीमेट क्या प्रॉब्लम है। अगर उसको ऐसा लगता है कि मोटर का जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, इसकी वजह से ये हो रहा है, तो उसका मोटर का जो अलाइनमेंट उसको सही करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। दूसरा होता है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस मतलब क्या होता है कि मॉडिफिकेशन। सपोज आपके पास एक मोटर है और एक सिंगल बेल्ट पुली, मतलब सिंगल ग्रुप पुली है आपके पास, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपका पावर कंजम्पशन है, मतलब मशीन का जो स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और आपको डबल ग्रुप वाला पुली उसमें लगाना चाहते हैं, तो ये जो मॉडिफिकेशन होगा इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। उसी तरह से शेड्यूल मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस क्या होता है कि जैसे कि आपने नया बाइक खरीदा, नया बाइक खरीदने के बाद उसमें जो भी मेंटेनेंस होता है, जैसे कि 500 किलोमीटर के बाद, 1000 किलोमीटर के बाद, 2000 किलोमीटर के बाद, ये जो मेंटेनेंस होता है,
या फिर सर्विसिंग होता है, इसको बोलते हैं शेड्यूल मेंटेनेंस। और एक दूसरा होता है रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। रिलायबिलिटी मेंटेनेंस में मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मेंटेनेंस होता है कि आपका जो मशीन है वो पहले जैसा रिलायबल था, मतलब उसका पहले जो कंडीशन था, उसका जो परफॉर्मेंस था, उसको कंटिन्यू करने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको बोलते हैं रिलायबल मेंटेनेंस। रिलायबल मेंटेनेंस बेसिकली जो भी मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर उसका जो मेंटेनेंस बुक बनाता है, मेंटेनेंस बुक में सब लिख के देता है। जैसे सपोज आपका जो आपने एक बाइक खरीदा, तो आप अगर बाइक का मेंटेनेंस बुक देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि 18,000 किलोमीटर के बाद इसका जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन को चेंज करना पड़ेगा, 10,000 किलोमीटर के बाद इसका जो शॉकर है, शॉकर को चेंज करना पड़ता है। तो ये जो मेंटेनेंस हो गया इसको बोलते हैं हम लोग रिलायबल मेंटेनेंस।